सर्वोच्च न्यायालय ने आज सुनवाई करते हुए महाराष्ट्र में ओबीसी के राजनीतिक आरक्षण पर बड़ा फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से महाराष्ट्र में 27% ओबीसी आरक्षण बहाल हो गया है। आज इस फैसले पर खुशी जाहिर करते हुए उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी सरकार की पीठ थपथपाई। उन्होंने पिछले महाविकास आघाड़ी सरकार के कुछ नेताओं की भी सराहना की जिन्होंने ओबीसी आरक्षण बहाल कराने के लिए सराहनीय काम किया। आइए सुनाते उन्होंने क्या कुछ कहा। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हमारी सरकार ने ओबीसी आरक्षण फिर से लागू करवा लिया है। उच्चतम न्यायालय ने आज उसका फैसला दे दिया है। हमारी सरकार ने जो रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी थी, सुप्रीम कोर्ट ने उस रिपोर्ट को स्वीकारा है। महाराष्ट्र में फिर से ओबीसी आरक्षण लागू हुआ है। 13/12/2019 को पिछली उद्धव जी की सरकार को उस समय सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा था कि डेडिकेटेड आयोग तैयार कीजिए, एम्पिरिकल डेटा जमा कीजिए, ट्रिपल टेस्ट पूरी कीजिए और उसके बाद आप आरक्षण लागू कीजिए। 15 महीने जब उस सरकार ने कुछ नहीं किया तो सुप्रीम कोर्ट ने ओबीसी आरक्षण स्थगित कर दिया। उसके बावजूद सरकार लगातार समय पास करती रही। पहले तो कमीशन नहीं बना, कमीशन बना तो उसको स्टाफ नहीं दिया, कमीशन काम नहीं कर पाया। एक फर्जी रिपोर्ट, मैं फर्जी इसलिए कहूँगा कि सुप्रीम कोर्ट ने उस पर बहुत स्ट्रिक्चर्स पास किए, इस प्रकार की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई जिस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने नकारा और उसके बाद राज्य के ओबीसी आयोग ने कहा यह रिपोर्ट हमने तैयार ही नहीं की है और हमको इस रिपोर्ट की कोई जानकारी नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि उसके बाद लगातार हम ये कह रहे थे कि इसमें जनगणना की आवश्यकता नहीं है, ये सेंसस का विषय नहीं है, ये एम्पिरिकल डेटा का विषय है। एक साइंटिफिक स्टडी करके जो निष्कर्ष निकलते हैं ऐसा एम्पिरिकल डेटा हमको देना है। 2 महीने में सरकार वो कर सकती है लेकिन सरकार लगातार टालमटोल करती रही। अंत में सरकार ने बांठी आयोग तैयार किया और हमारी सरकार के आने के बाद हमने तुरंत उस आयोग से निवेदन करके उचित समय में उसका साइंटिफिक डेटा उसको कोलेट करके उसको क्यूरेट करके वो जो कोई रिपोर्ट तैयार हुई उस रिपोर्ट को हम लोगों ने सही समय पर सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया और उस पर आज सुनवाई हुई। उस रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकारा और उसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में ओबीसी आरक्षण वापस बहाल कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट का आभार व्यक्त करता हूं, सभी ओबीसी समाज का अभिनंदन करना चाहता हूं। उनकी लड़ाई थी, हम लोग लड़ रहे थे, साथ में लड़ रहे थे, इस लड़ाई को हमने जीता है। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी पर इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।